हेलो दोस्तों, होम क्लासेस में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं क्लास 12 की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 वंशागत और विविधता के सिद्धांत पार्ट नंबर 7। इसके पहले जो हम वीडियो देखे थे उसमें हमने टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस के बारे में पढ़ लिया था। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब हम आते हैं आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक जो है यूपी बोर्ड एग्जाम और नीट के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूपी बोर्ड एग्जाम में इससे 60 टाइप में क्वेश्चन आराम से आ जाते हैं कि अपूर्ण प्रभाविता किसे कहते हैं। तो हम क्वेश्चन पे आते हैं। अपूर्ण प्रभाविता जो आज का टॉपिक है इसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। हुआ क्या था कि जब मेंडल ने नियम दिया था ना, तो मेंडल के नियम देने के बाद आपको ये पता है कि वो 3 दशक तक उनके जो शोध हुए थे उनको फिर देखा नहीं गया। फिर 19वीं सदी में 3 वैज्ञानिक कार्ल कोरेंस और सेजमार्क और ह्यूगो लीब्रिज, उन्होंने मेंडल के प्रयोग को पुनः देखा, खोजा और ये पाया कि मेंडल ने जो प्रयोग किए थे वो सही थे। और उसी आधार पर उनके प्रयोग और निष्कर्षों के आधार पर उन्होंने उसको 3 भागों में बताया नियम को, जिसे मेंडल का नियम कहा जाता है। पहला है प्रभाविता का नियम, दूसरा है विसंयोजन का नियम जिसे हम पृथक्करण का नियम भी कहते हैं, और तीसरा जो है स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम। ये 3 नियम दिया गया। जो पहला नियम था प्रभाविता का नियम, ये नियम कहता है कि जब एक प्रभावी लक्षण और अप्रभावी के बीच हम निषेचन कराएंगे तो जो F1 पीढ़ी होगी उसमें हमेशा जो लक्षण प्रकट होगा वो प्रभावी लक्षण ही प्रकट होंगे। भले F1 में जो एलील होंगे वो दोनों साथ में होंगे, प्रभावी वाला भी अप्रभावी वाले, लेकिन अप्रभावी वाला अपना लक्षण प्रकट नहीं कर पाएगा और प्रभावी वाला पूरी तरीके से अपना लक्षण दिखाएगा और वह पौधा क्या होगा, संकर कहलाता है, हाइब्रिड। यदि एक लंबे पौधे और एक बौने पौधे में हम निषेचन कराते हैं तो F1 पीढ़ी में वो हमेशा जो लंबा पौधा मिलेगा और संकर लंबा पौधा मिलेगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं अपूर्ण प्रभाविता क्या होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। यानी यह जो अपूर्ण प्रभाविता है यह सही बताएं तो मेंडल का जो प्रथम नियम है जिसको हम क्या कहते हैं प्रभाविता का नियम, उसके क्या है अगेंस्ट में, उसके विरोध में है, और यह मेंडल के प्रथम नियम को फेल कर देता है। होता क्या है, कार्ल कोरेंस ने, एक वैज्ञानिक थे कार्ल कोरेंस ने, 1903 की घटना है, उन्होंने मिराबिलिस जलापा जिसे सामान्य भाषा में फोरोक्लाक प्लांट कहते हैं उसको लेके उन्होंने प्रयोग करना शुरू किया। इसमें क्या देखा कि जो लाल पुष्प होता है वो क्या होता है, प्रभावी लक्षण। अब आते हैं फर्ज पे, उन्होंने क्या देखा कि जो लाल पुष्प होता है वह क्या है, वह प्रभावी लक्षण ये रहता है। तो इसके लिए को हम क्या कर देते हैं, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके सफ़ेद फूल को हम ले लेते हैं। तो इसका जो सफ़ेद पुष्प होगा उसको हम स्मॉल आर से कहते हैं। आपको पता है कि जब हम अलग अलग फूल लिए हैं, अब इन फूलों में क्या होगा, युग्मक का निर्माण होगा, गैमिक का निर्माण। और आपको भी पता है कि युग्मक के निर्माण के समय एक बहुत इंपॉर्टेंट विभाजन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, अर्धसूत्री विभाजन। वो चाहे पुंकेसर की बात करें और चाहे हम बीजान की बात करें स्त्री केसर के अंदर, यानी इसको हम मादा पुष्प मान लेते हैं, इसको नर पुष्प। तो यहाँ पे भी अर्धसूत्री विभाजन होगा, यहाँ परागकण बनेंगे और यहाँ पे एक सेल अंडकोशिका का निर्माण होगा। तो युग्मक निर्माण के समय अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसके कारण ये दोनों एलील क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, ये अलग अलग हो जाते हैं। अब यहाँ पे अलग अलग हो गए, अब हमको इन दोनों के युग्मकों को मिलाना भी है। तो मिलाने के लिए क्या किया गया कि पर परागण कराया गया। पर परागण को हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, ज्यादातर तो लोग जानते होंगे कि जब किसी पुंकेसर से दूसरे पुष्प के पुंकेसर से परागकण निकाले और दूसरे फूल के स्त्री केसर पे हम डाल देते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। बहुत ईजी है। अब क्या हुआ, ये गैमिक अलग हो गए। अब पुनेट स्क्वायर की तरफ इनको एक स्क्वायर हम बनाते हैं, पुनेट स्क्वायर वैज्ञानिक ने बताया था किस तरीके से हम ग्राफ बना के इन गैमिक को मिला सकते हैं। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं ये परागकण हो गए, ये हो गया हमारा स्त्री केसर की बात। तो यहाँ पे एलील हमने रख दिया कैपिटल आर, यहाँ पे स्मॉल आर। और आपको भी पता है जो हम ये पीढ़ी लेके चले हैं, जो पहला लाल पुष्प और सफ़ेद पुष्प, इसको हम क्या कहते हैं, पी जनरेशन कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म अगर कहें पी मीन्स पैरेंटल, या हिंदी में कहते हैं जनक पीढ़ी। तो ये जनकी पीढ़ी हो जाती है। अब यहाँ पे ये क्या हुआ था, गैमेट बन चुके हैं। अब इनको हम मिलाते हैं, ये कैपिटल आर इस स्मॉल आर से मिलेगा तो ये हो जाएगा, और ये कैपिटल आर इस स्मॉल आर से मिलेगा तो यहाँ पे ये बन जाएगा।
ये कैपिटल आर, ये आया, ये वाला यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ पे। इस तरीके से हम इन गैमेटों को आपस में मिलाते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो होता है गैमेट का फ्यूजन एक साथ हो गया, यानी फर्टिलाइजेशन हो गए, बीज का निर्माण हो गया, तो ये जो पीढ़ी कहलाती है इसको हम कहते हैं F1 जनरेशन, प्रथम संतत पीढ़ी। F1 क्या होता है कि पी जनरेशन से जो पहली संतान या पहली जो संतत बनती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रथम संतत पीढ़ी, फर्स्ट फिलियल जनरेशन, या शॉर्ट फॉर्म इसको हम F1 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे हम देखें क्या कि मेंडल के नियम के अनुसार यदि लाल लक्षण प्रभावी है और सफेद लक्षण अप्रभावी है, ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है, तो इस F1 पीढ़ी में हमको पता है कि जब यह स्मॉल रहे अप्रभावी एलील रहे और प्रभावी एलील रहे तो इसमें अप्रभावी एलील अपने लक्षण प्रकट नहीं करता, केवल प्रभावी एलील ही अपने लक्षण को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन देखा क्या गया कि मिराबिलिस जलापा की ये जो F1 पीढ़ी में जो फूल बने वो सभी फूल क्या बने, गुलाबी बने, गुलाबी पुष्प हुए, पिंक कलर के फूल हुए। और ये बहुत आश्चर्य की बात थी क्योंकि मेंडल के सिद्धांत के अनुसार F1 में केवल कैसे फूल होने चाहिए थे, लाल फूल हो जाने चाहिए थे। यहाँ क्या देखा गया कि ये विषम युग्म जी हैं, हेटरोजाइगस, यानी जब दोनों एलील अलग अलग होते हैं, एक कैपिटल में एक स्मॉल में, तो इसको हम क्या कहते हैं, विषम युग्म जी। तो यहाँ पे विषम युग्म जी देखा गया कि जो प्रभावी लक्षण है, जो लाल रंग है, वो अपने पूरे लक्षण को प्रकट नहीं कर पा रहा है और वह लाल न होके अपने लक्षण को आधा या उससे कम प्रेजेंट कर पा रहा है, जिसकी वजह से यह फूल किस रंग के हो रहे हैं, गुलाबी रंग के हो रहे हैं। तो एक परिभाषा निकल के आती है, इसको हम फिर देखते हैं। कभी कभी कुछ जीव में विषम युग्मजी समझ गए, एलील अलग अलग हों में हेटरोजाइगस होते हुए भी प्रभावी एलील, डोमिनेंट एलील अपने लक्षण पूर्ण रूप से प्रदर्शित नहीं कर पाते। अपने लक्षण यानी जो एलील प्रभावी है वो अपने एक्सप्रेस, अपने जो कैरेक्टर होता है उसको कम्प्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर पाता, प्रभावी प्रदर्शित नहीं कर पाता। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसे अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। पाया कहाँ, किस में जाता है, मिराबिलिस जलापा जो हम पढ़ रहे हैं, और दूसरा एंटी राइनम मेजस जिसको हम स्नैप ड्रैगन प्लांट कहते हैं। तो यहाँ पे F1 पीढ़ी में उनको जान के आश्चर्य हुआ कालकोरेंस को कि ये मेंडल के नियम को फॉलो नहीं कर रहे हैं। फिर मैं F1 पीढ़ी में मेंडल ने क्या करा था, आगे चल के स्व परागण कराया था, तो उन्होंने भी इस प्लांट के पौधे को लिया और इसमें क्या कराया, स्व परागण। उन्होंने इस पुष्प में इनको लिया, पिंक पुष्प को, गुलाबी फूलों को लिया, इन गुलाबी फूलों को पुष्प को लेके इनमें जब गैमेट का निर्माण हुआ तो यहाँ क्या बना, कैपिटल आर, और यहाँ क्या हुआ, स्मॉल आर। यहाँ पे भी इन्होंने ऐसा किया, यहाँ बना कैपिटल आर और यहाँ पे बना स्मॉल आर। इस तरीके से यहाँ गैमेट बने। तो यहाँ पे क्या कराएंगे, यहाँ पे हम स्व परागण कराते हैं। क्या कराते हैं, स्व परागण। F1 पीढ़ी में हम क्या कराते हैं, स्व परागण। F1 पीढ़ी में जब स्व परागण कराएं तो स्व परागण के अनुसार क्या बनाएंगे, हम पुनेट स्क्वायर बनाएंगे और पुनेट स्क्वायर में उसी तरीके से गैमेट को मिलाएंगे जिस तरीके से हमने F1 में मिलाया था। लेकिन यहाँ ध्यान रखेंगे, यहाँ कैपिटल आर और स्मॉल आर दो अलग अलग हैं, इसको हम मेल मान लेते हैं, इसको हम फीमेल मान लेते हैं। सेम उसी तरीके से अब आप भी पता, इस कैपिटल आर को मिलाएंगे तो यहाँ दोनों कैपिटल आर हो जाएंगे, ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है, इस तरीके से मिला देते हैं। फिर इस कैपिटल आर इस स्मॉल आर को ऐसे मिला देंगे और यहाँ पे ये दोनों स्मॉल आर है, ये यहाँ पे आ जाएंगे, तो दो स्मॉल आर। आपको ये पता है कि ये पीढ़ी कौन सी थी, F1 पीढ़ी थी, और जब F1 पीढ़ी में स्व परागण कराते हैं तो आगे चल के ये क्या कहलाती है, F2 पीढ़ी। F1 पीढ़ी में निषेचन होने के बाद जो नई पीढ़ी बनती है उसको हम क्या कहते हैं, F2 पीढ़ी कहते हैं। यहाँ पे इस तरीके से एलील हमको प्राप्त हो गए। अब इसको, इन एलील में कौन कौन से लक्षण आए इसको हम देखते हैं। जब कैपिटल आर और कैपिटल आर को लिया गया तो देखा क्या गया कि ये लाल पुष्प हुए, क्या हुए, लाल पुष्प हुए, ये बहुत अच्छा रहा, लाल पुष्प हुए कैपिटल आर। और जबकि कैपिटल आर स्मॉल आर को लिया गया तो ये किस तरीके से पुष्प हुए, ये गुलाबी पुष्प हुए पिंक कलर के। और स्मॉल आर आप भी पता है, जब स्मॉल आर और स्मॉल आर को लेकर किए तो यहाँ पे उन्होंने पाया कि ये क्या है, सफेद है, सफेद पुष्प। तो इसके जो अगर हम दिस प्रारूप की बात करें, दिस प्रारूप आप ही को समझते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, फिनोटाइप रेशियो। इसके हम दिस प्रारूप की बात करें,
दृश्य प्ररूप की बात करें, दृश्य प्रारूप अनुपात की बात करते हैं, तो जो दृश्य प्रारूप अनुपात आता है वह आता है 1:2:1 का, जिसको हम फीनोटाइप रेशियो कहते हैं। क्योंकि एक पुष्प क्या है, लाल है, और दो पुष्प क्या है, गुलाबी है, और एक पुष्प क्या है, सफेद है। 1:2:1 का इस तरीके से हमको फीनोटाइप रेशियो मिलता है। जबकि हमको याद है कि जो मेंडल के F2 पीढ़ी में जो हमको रेशियो मिला था फिनोटाइप, वो क्या था, 3:1। वहां मेंडल में हमको क्या मिला था, 3:1 मिला था। यहाँ पे ये फेल हो जा रहा है मेंडल का नियम, क्योंकि यहाँ पे फिनोटाइप रेशियो यानी दृश्य प्ररूप अनुपात 1:1:2:1 है, जबकि मेंडल के अनुसार कितना होना चाहिए था, 3:1 का। अब यहाँ पे थोड़ा इसका जीनी प्रारूप अनुपात देख लेते हैं। तो जीनी प्रारूप अनुपात, यहाँ पे जीनी प्रारूप जो अनुपात होता है वह भी हमको क्या मिलता है, 1:2:1, जबकि मेंडल में क्या था, वह था 1:2:1। तो यहाँ पे हमको बहुत आसानी से यह समझ में आ चुका था कि मिराबिलिस जलापा में जो घटना हो रही थी वह मेंडल के नियम को फॉलो नहीं कर रही थी, और वह मेंडल के नियम को क्या कर रही थी, ब्रेक कर रही थी, तोड़ रही थी। और इस तरीके से एक नई बात निकल के आई कि सभी प्रभावी एलील जो होते हैं वो F1 पीढ़ी में जाने के बाद अपने लक्षण पूरी तरीके से एक्सप्रेस नहीं होता। और इस घटना को कार्ल कोरस ने क्या कहा था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और उसमें कहा कि जो जीनोटाइप में अनुपात 1:1 आया है वही अनुपात फिनोटाइप में भी आता है 1:2:1। इस तरीके से यह अपूर्ण प्रभाविता पूरी हो जाती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।